लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे कम वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी भी अलग से चर्चा में रहते हैं। यहां हम लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोटों से और कम मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11,72,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी जीत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नोटा को 2.18 लाख से अधिक वोट मिले। बता दें कि इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इस सीट पर 25 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। इंदौर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 में घोषित परिणामों में असम की धुबरी सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रकीबुल हुसैन की जीत दूसरी सबसे बड़ी जीत है। रकीबुल हुसैन को 14,71,885 वोट मिले, जबकि उनके सामने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल को 45,94,009 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों के बीच 10 लाख से अधिक मतों का अंतर रहा। तीसरी सबसे बड़ी जीत भी भाजपा के नाम है। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना चुनाव 8,21,000 वोटों से जीता है। वहीं इस चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। ऐसी ही एक सीट महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम है, जहां शिवसेना के रविंद्र बायकर ने शिवसेना के अमोल को महज 48 वोटों से हराया। दूसरी सीट केरल की अतितिनगल, जहां कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने 684 वोटों से सीपीएम के उम्मीदवार के वी जॉय को हराया। उड़ीसा के जाजपुर लोकसभा सीट पर ऐसा ही कुछ हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र नारायण बेहरा ने 1587 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजू जनता दल के शर्मिष्ठा सेठी को हराया।